नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा है। मैं एक होलिस्टिक फिजिशियन हूँ और मेरे इस चैनल में मैं हेल्थ से जुड़ी ऐसी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूँगी जो आपको संपूर्ण हेल्थ और वेलनेस पाने में मदद करेगी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप किसी भी बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कभी कभी कई रोग या लक्षण सामान्य होने के बावजूद आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हम जिंदगी भर उसकी दवाइयां लेते रहते हैं और उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, थायराइड, आर्थराइटिस और ऐसी कई सारी बीमारियाँ हैं जिनकी शुरुआती स्टेज में ही हम दवा लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे ही हमें रिपोर्ट या टेस्ट से पता चलता है, तुरंत हम उसकी दवा लेना शुरू कर देते हैं, चाहे हमें उसके कोई शारीरिक लक्षण हो या ना हो। फिर भी सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर भी उसका निदान करते हैं और उसकी दवाइयाँ चालू कर देते हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ उन रोगों को सिर्फ कंट्रोल करने का काम करती हैं, पर उसको हमेशा के लिए क्योर नहीं करती। यानी कि जब तक आप दवाइयाँ लेते हैं, वो रोग या उसके लक्षण कंट्रोल में रहते हैं, वरना बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे हमारा बॉडी इन दवाइयों का आदी हो जाता है और कुछ समय बाद हमारा बॉडी उन दवाइयों के डोज से यूज्ड हो जाता है और फिर उस डोज की हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होती और इसलिए दवाई का डोज बढ़ाना पड़ता है और ये दौर चलता ही रहता है तब तक जब तक कि पूरा सिस्टम उस दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं हो जाता। यानी कि दवाइयाँ उस पूरे सिस्टम के फंक्शन को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं और हमारा शरीर कुदरती रूप से काम करना बंद कर देता है। कई लोग पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए दवाइयाँ लेते हैं और अगर गलती से भी उनका एक भी डोज मिस होता है तो उस सिस्टम के फंक्शन पर बुरा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीपी की दवाई ले रहा है और गलती से कोई डोज मिस कर देता है तो उसको ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक या पैरालिसिस हो सकता है। मतलब कि दवाइयाँ सिर्फ आपको टेम्पररी राहत देती हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। दवाइयाँ बहुत हार्मफुल होती हैं जो हमारी नेचुरल हीलिंग सिस्टम को निष्क्रिय कर देती हैं और हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ती हैं, क्योंकि दवाइयाँ केमिकल कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग्स हैं जो किसी भी एक ऑर्गन को ठीक करती है या कंट्रोल करती है, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती हैं या उनमें साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं। अगर आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या और किसी भी रोग की दवाई का नाम गूगल पर डाल के उसके साइड इफ़ेक्ट्स सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमारे शरीर के लिए कितनी हार्मफुल है। ये दवाइयाँ हमारे शरीर के एक सिस्टम को ठीक करती हैं लेकिन दूसरे सिस्टम को बहुत डैमेज करती हैं। इसलिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हो सके उतना हमें दवाइयों से दूर रहना चाहिए और जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ हमारे शरीर की नेचुरल हीलिंग सिस्टम को और इम्यूनिटी को निष्क्रिय या नष्ट कर देती हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही लेनी चाहिए, लेकिन कई लोग सालों तक दवाइयाँ लेते रहते हैं। ऐसे लोगों में इनर सेल्फ हीलिंग पावर और इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए हमें कोई भी दवा चालू करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये दवाइयाँ आपने एक बार शुरू कर दी तो आपको लाइफ टाइम लेनी होंगी। इसलिए एलोपैथिक दवाइयाँ शुरू करने की बजाय हमें कुछ चीज़ों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिससे कि इन रोगों को उनकी शुरुआती स्टेज पर ही रोक दिया जाए और हमेशा के लिए क्योर किया जा सके। रेगुलर बॉडी चेकअप में कई बार हमारा ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पर आता है
और डॉक्टर तुरंत हमें उसकी दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं या बिना पूछे हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आदि की दवाइयों पे चढ़ा देते हैं। लेकिन दवाइयाँ शुरू करने से पहले हम बहुत सारी नेचुरल टेक्निक्स या अल्टरनेटिव थेरापी से इन्हें ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, हमारी गलत आदतें, गलत खानपान को बदल सकते हैं और अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं या अच्छा हेल्दी खाना ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा प्राणायाम आदि की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो वह भी आपके रोग का एक कारण हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को बदलकर हम किसी भी रोग या लक्षण को शुरुआती स्टेज में ही पलट सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है या हम इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि शायद हम मानते हैं कि इन छोटी छोटी आदतों को बदलने से क्या होगा, और शायद यही दृढ़ विश्वास या मान्यता हमें ये सब करने से रोकती है या डीमोटिवेट करती है। दोस्तों, मान्यताएं कभी सही या गलत नहीं होती, लेकिन सशक्त या सीमित ज़रूर होती हैं। हमारी मान्यताएं दो प्रकार की होती हैं, एम्पावरिंग या लिमिटिंग, यानी कि सशक्त या सीमित। ज़्यादातर मामलों में वे सीमित होती हैं। यहाँ हम हेल्थ की मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। मान्यता का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर हमारी मजबूत राय या हमारा दृढ़ विश्वास, जो हम कभी किसी के एक्सपीरियंस सुन के बनाते हैं या कभी उसके बारे में पढ़कर बनाते हैं या टीवी, न्यूज़पेपर आदि मीडिया से जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो बातें बार बार सुनता है, उसमें से कुछ ऑटोमेटिक फिल्टर होकर अपने आप उसमें स्टोर हो जाती है, जो हमारा दृढ़ विश्वास या मान्यता बन जाती है। किसी भी चीज़ के लिए दो व्यक्ति की राय उसके अनुभवों के आधार पर या उन्होंने प्राप्त की हुई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के आधार पर अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी मान्यता अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के अनुभव दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकते हैं। इसलिए हमारे हेल्थ बिलीफ ऐसे होने चाहिए जो हमारे लिए सशक्त हो, ना कि सीमित हो। फॉर एग्जांपल, मेरे कई पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैंने उनको कहते सुना है कि डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होता, कैंसर ना इलाज है या कैंसर कभी ठीक नहीं होता। कई लोग कहते हैं मुझे ये रोग होने का कारण आनुवंशिक है, क्योंकि मेरी फैमिली में सबको ये रोग था, इसलिए मुझे भी ये विरासत में मिला है। कई लोगों से सुना है कि 40 साल के बाद डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि का आना बहुत आम बात है। जब भी मैं ये बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि आज के समय में इन रोगों के बढ़ने का मुख्य कारण शारीरिक से ज़्यादा मानसिक है, क्योंकि लोगों की हेल्थ के प्रति ये गलत मान्यताएं या दृढ़ विश्वास ही सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इन बीमारियों को आकर्षित करता है, और दूसरी ओर उनकी इन हेल्थ की सीमित मान्यताओं की वजह से ये रोग उन्हें जल्दी ठीक नहीं होते और वे रोग मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि सबकॉन्शियसली उन्होंने इस रोग को खुद बुलावा दिया है और उन्होंने ये मान लिया है कि ये रोग कभी ठीक नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमें हमारी हेल्थ की मान्यताएं बदलनी होंगी। हेल्थ के प्रति हमारी मान्यताएं एम्पावरिंग होनी चाहिए, ना कि सीमित। यानी कि हेल्थ के जो रिजल्ट हम चाहते हैं उसे बढ़ावा देने वाले हमारे बिलीफ होने चाहिए और हमारे एक्शन भी उसी तरह के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लंबे समय से डायबिटीज़ है तो उसे ठीक करने के लिए इन तीन चीज़ों पर काम करना चाहिए। एक, अगर उसके मन में इस रोग के लिए कोई भी सीमित मान्यता है तो तुरंत उस मान्यता को बदलना चाहिए और नई एम्पावरिंग मान्यता बनानी चाहिए। इसके लिए जो भी उसकी हेल्थ की मान्यता है
उसे लिखना चाहिए और उसके सामने उससे ऑपोजिट सेंटेंस यानी कि एम्पावरिंग बिलीफ को लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मान्यता है कि कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता तो उन्हें लिखना चाहिए कि कैंसर भी ठीक हो सकता है और उसे उसी तरह के एक्शन लेने चाहिए, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स, केस स्टडीज, रिसर्च पेपर्स या न्यूज़ पढ़ने चाहिए जिनमें ऐसे लोगों की स्टोरी या अनुभव शेयर किए हो जो इस रोग से ठीक हो चुके हैं, और नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहना चाहिए। नंबर दो, रोग का मूल कारण ढूंढना चाहिए और उसके मूल कारण को दूर करना चाहिए, ना कि सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर रोग का मूल कारण उसकी गलत लाइफस्टाइल, गलत खानपान या गलत हैबिट्स है तो तुरंत उसे ठीक करना चाहिए। नंबर तीन, दवाइयों पे डिपेंडेंट होने की बजाय अपने शरीर की इनर सेल्फ हीलिंग पावर और इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए रेगुलर बेसिस पे बिन जरूरी दवाइयाँ लेना बंद करना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को नष्ट करती हैं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय करने चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशनल फूड लेने चाहिए, रेगुलर विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन डी बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इनर सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए साउंड स्लीप लेनी चाहिए, रेगुलर योगा प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन, पॉजिटिव हेल्थ अफर्मेशन करने चाहिए। अगर इस तरह से बॉडी, माइंड और सोल तीनों लेवल पर एक साथ काम किया जाए तो किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है या उसे पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है और अल्टीमेट वेलनेस पाई जा सकती है। आप खुद भी ये कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की सहायता भी ले सकते हैं। होलिस्टिक अप्रोच से किसी भी रोग में 100% रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण सारवार है और यह व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक करती है।